वेलकम टू फूड कनेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, आज हम दालों को माइक्रोवेव में अंकुरित कैसे करें ये बताएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे साबुत मूंग, साबुत मोठ और काले चने लिए हैं। आप कोई भी दाल ले सकते हैं। अब हमें इन तीनों दालों को पानी से अच्छे से धोना है और जो गंदा पानी है उसे बाहर निकालना है। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से बिना किसी झंझट के आप आसानी से घर में दालों को अंकुरित कर सकते हैं। ये खाने में हेल्दी होती हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। अब यहाँ पे हमने तीनों दालों को अच्छे से धो लिया है। अब तीनों में पानी डालकर इन्हें सोक करने रखेंगे। चने को सोक होने में 18 से 20 घंटा लगता है। मूंग और मोठ 8 से 10 घंटे में भीग जाएंगे। अब हमारे ये तीनों अच्छे से भीग चुके हैं। अब जो एक्सेस पानी है उसे हम निकाल देंगे। ध्यान रहे, इसका पानी हमें अच्छे से निकालना है। अंकुरित होते समय इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए लेकिन पानी नहीं रहना चाहिए। तीनों का पानी निकालने के बाद इन्हें अच्छे से दबा देंगे। अब इन सोक्ड दालों को माइक्रोवेव में रखेंगे। मूंग और मोठ 8 से 10 घंटे लेंगे अंकुरित होने के लिए। चने को करीब से 5 से 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे और माइक्रोवेव को बंद कर देंगे। ध्यान रहे, हमें यह माइक्रोवेव को ऑन नहीं करना है। अब देखिए आप कितने अच्छी तरीके से माइक्रोवेव में बिना किसी झंझट के हमारे दालों को हमने अंकुरित किया है। इस तरह से आप किसी भी दाल को अंकुरित कर सकते हैं। अंकुरित दालों से आप विभिन्न प्रकार की चीज़ें और सलाद बना सकते हैं।